सत्यजीत ने कोमल से शादी तो कर ली, पर क्या सत्यजीत दिल से कोमल को अपना पाएगा? क्या सत्यजीत अपनी माँ से सत्यभामा से शादी ना करने की वजह बता पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए तुम्हारे लिए आपके अपने बुक ऑडियो पर। ये मैं क्या सुन रही हूँ सत्य? उसके माँ ने कहा। अब क्या हुआ माँ, सब कुछ तो आपके हिसाब से ही चल रहा है। सत्य ने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए जवाब दिया। मुझे दोष देने से यदि तुम्हें अच्छा लगता है तो मुझे जी भरकर गालियां दो, मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगेगा। पर बेचारी कोमल को क्यों सजा मिल रही है? सत्य की माँ ने कहा। जो भी हो रहा है इसके लिए वही तो जिम्मेदार है माँ, और सबसे ज्यादा खुश भी वही है, फिर वो भला बेचारी कैसे हो गई? सत्य ने कहा। देखो सत्य, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके कारण हुआ, ये सब मुझे नहीं जानना है। तुमने सत्यभामा को पसंद किया था तो उसे अपनी बहू बनाने के लिए मैं राजी थी और खुश भी थी, पर तुमने अचानक ही अपना निर्णय बदलते हुए कहा कि कोमल से शादी करना चाहते हो तो मुझे आश्चर्य अवश्य हुआ। पर मैंने तुमसे कोई सवाल इसीलिए नहीं किया कि तुम सारी दुनिया घूम कर आ चुके हो, जीवन के उतार चढ़ाव को समझने लगे हो, और सबसे बड़ी बात तो तुम्हारे बारे में मैं जानती हूँ, वो ये कि तुम वही करते हो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। माँ ने कहा। मैंने कब कहा माँ कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ? सत्य ने कहा। कहने की जरूरत नहीं है बेटा, माँ हूँ मैं तुम्हारी, हर्ष और विषाद के चेहरे को पहचानती हूँ। तो क्या करूँ माँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सत्य चहलकदमी करने लगा। ऐसे परेशान होने से क्या होगा बेटा, चाहो तो मुझे बता सकते हो कि किस असमंजस में हो, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? मेरी समस्या का समाधान आपके पास भी नहीं है माँ, किसी के पास भी नहीं है। सत्य हाथ पैर पटकते हुए बैठ गया और माथे पर उंगलियां फेरने लगा। क्या हुआ बेटा, कम से कम बता तो सकते हो मुझे? माँ ने सत्य के बालों पर हाथ फेरते हुए आगे कहा। तुम इतना ज्यादा परेशान हो, इस बात का अंदाजा तो मुझे भी नहीं था। क्या हुआ बेटा, प्लीज अपनी माँ को बताओ। आपके बेटे ने जिंदगी में पहली बार किसी और की बात मानकर अपना सुख चैन सब खो दिया है माँ। सत्य की आंखें छलक उठी। ये तुम क्या कह रहे हो सत्य, जानती तो हो माँ, भामा से मिलने के बाद आपके सत्य ने झूठ बोलना छोड़ दिया है। सत्य ने कहा। मतलब तुमने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की है? पर तुमने तो कहा था कि तुम कोमल को भामा के मिलने से पहले से ही जानते हो। माँ ने आश्चर्य से पूछा। हाँ ये भी सच है माँ। तो वो कौन है जिसके कहने पर तुम्हें ये शादी करनी पड़ी? माँ ने पूछा। सत्य भामा के कहने पर। क्या कह रहे हो सत्य, और सत्य भामा ने ऐसा क्यों किया? ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ माँ, सत्य ने कहा। क्यों? क्योंकि सत्य भामा ने मुझसे कसम ली है। सत्य ने कहा। जिस लड़की ने तुमसे प्यार को मेरे सामने स्वीकारा और उसी ने तुमसे विवाह करने के लिए मना कर दिया, उस लड़की की कसम का हवाला देकर तुम अपनी माँ से अपने दुख का कारण छुपा रहे हो? क्यों? क्योंकि मैं सत्य भामा से बहुत प्यार करता हूँ माँ, सत्य ने कहा। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो सत्य, भामा से प्यार करने की बात कहते हो और शादी किए हो कोमल से? आजकल तुम बच्चों की यही बुराई है, खुद तो कंफ्यूज रहते हो और फिर परेशान होकर माता पिता को चिंतित कर देते हो। बेचारी कोमल के बारे में भी सोचा है? जब उसे पता चलेगा कि जिनसे वो इतना प्यार करती है और शादी की है वो किसी और से? उसे सब पता है माँ, सत्य ने माँ की बातों को रोकते हुए कहा। ओह माय गॉड, ये क्या कह रहे हो तुम सत्य, जितना मैं बातों को समझने के लिए तुमसे प्रश्न करती हूँ तुम्हारे जवाब मुझे और भी उलझाते जा रहे हैं। अपने माँ को और परेशान मत करो सत्य। अच्छा चलो, अब अच्छे बच्चे की तरह मुझे बता दो कि कोमल से प्यार नहीं करते हो तो उससे शादी क्यों की? कहा ना माँ, नहीं बता सकता, भामा की कसम तोड़ नहीं सकता मैं, सत्य ने कहा। ठीक है तो मैं भामा से ही पूछ लेती हूँ, कहते हुए सत्य की माँ भामा को फोन करने लगी। नहीं माँ,
सत्य ने माँ से मोबाइल छीनने की कोशिश की और इसी छीना झपटे में फोन नीचे गिर गया। सॉरी माँ, सत्य ने मोबाइल उठाते हुए कहा। मुझे भामा से मिलना होगा, कहते हुए उसकी माँ शीघ्रता पूर्वक बाहर निकली और सत्य देखता ही रह गया। आपका फोन बज रहा है दीदी, लोन में झूले पर बैठी भामा को देते हुए पारो ने कहा। सत्य का नंबर देख भामा ने नहीं उठाया और बार बार यही होने पर सत्य ने पारो को फोन किया। हेलो, मैं सत्य बोल रहा हूँ पारो, तुम्हारी दीदी घर में है? हाँ साहब, ये लीजिए, बात कीजिए, कहते हुए पारो ने फोन भामा को दे दिया। हेलो, सत्य की आवाज सुनकर भामा कुछ देर के लिए कहीं खो गई। मैं सत्य बोल रहा हूँ भामा, तुम सुन रही हो ना? मैं जानता हूँ तुमने मुझे बात करने के लिए मना किया था, पर क्या करता, मजबूरी है। भामा को ऐसे लग रहा था जैसे सत्य कहता रहे और भामा के कानों में प्रेम रस से डूबी आवाज घुलती रहे। कुछ तो बोलो भामा, मैं जानता हूँ मेरी आवाज तुम्हें अच्छी लग रही है, पर मुझे भी तो कम से कम इस खुशी का हक दे दो। हाँ सत्य, बोलो, भामा की आवाज थरथरा रही थी। माँ तुमसे मिलने निकली है। तो आने दो, भामा ने कहा। पूछोगी नहीं क्यों मिलना चाहती है तुमसे? सत्य की बातों में शहद की मिठास थी। नहीं, शहद से लिपटती चींटी की तरह थी भामा की आवाज, जिसकी उम्र बहुत ही कम होती है। माँ तुमसे पूछने गई है कि? वो जो चाहे मुझसे पूछ सकती है, उनके किसी भी सवाल का जवाब देने में मुझे खुशी होगी, भामा ने कहा। पर भामा, माँ पहुंच गई है सत्य, कहते हुए भामा ने फोन काट दिया। उस नालायक ने तुम्हें सब कुछ बता दिया ना कि क्या पूछने आई हूँ मैं तुमसे? सत्य की माँ ने आते ही पूछा। नहीं आंटी जी, सिर्फ आपके आने की खबर मिली है, आइए ना बैठिए। झूले पर ही बचे शेष जगह की ओर इशारा करते हुए भामा ने कहा। इतना ही अपनापन है मेरे बेटे से अब भी तो? सत्य की माँ भामा के बगल में बैठते हुए पूछने लगी। पारो, जाओ तुम आंटी जी के लिए कुछ लेकर आओ, भामा ने कहा। लो, अब कोई नहीं है यहाँ, पारो के जाते ही सत्य की माँ ने आगे कहा। बहुत प्यार करता है सत्य तुमसे, फिर शादी कोमल से क्यों? क्योंकि कोमल सत्य से प्रेम करती है, भामा ने कहा। पर सत्य तो? जानती हूँ आंटी जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर शादी क्यों नहीं? इस बात का जवाब चाहिए मुझे, सत्य की माँ ने कहा। प्रेम का मतलब पाना ही तो नहीं होता है आंटी जी, प्रेम को पाने के लिए प्रेम के अस्तित्व को तो खतरे में डालना क्या सही होता? क्या कहना चाहती हो स्पष्ट कहो भामा, वैसे भी सत्य ने गोलमोल जवाब देकर मुझे परेशान कर दिया है। ठीक है, मैं आपको सब बताती हूँ, पर इससे पहले आपको वादा करना होगा, भामा ने कहा। कैसा वादा? सत्य की माँ ने पूछा। एक बहू के रूप में कोमल के प्रति सम्मान आपके मन में और घर में कभी कम नहीं होना चाहिए, भामा ने कहा। इसका मतलब कोमल ने ही कुछ गलत किया है? गलत नहीं आंटी जी, उसने भी प्यार किया है, और उसके प्यार की परिभाषा में तो अपने प्रेम को किसी भी तरह से पाना ही प्रेम की सफलता है, और किसी कारण से उसका प्रेम उसे ना मिले तो उसे नुकसान पहुंचाना भी गलत नहीं है, सिर्फ पाने पर ही विश्वास रखते हैं, भामा ने कहा। इसका मतलब है कि कोमल ने ब्लैकमेल करके सत्य को शादी के लिए मजबूर किया है, पर सत्य तो कह रहा था कि ये शादी उसने तुम्हारे कहने पर की है, सत्य की माँ ने कहा। उसने सही कहा है, मेरे पास सत्य को कानूनी पचड़े से बचाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, भामा ने लंबी सांसें ली। कोमल कानून के पास जाने की धमकी दे रही थी, पर इसका क्या कारण था? उसका कहना था कि 3 साल पहले जब आप लोगों ने उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, उससे पहले सत्य ने उसके प्यार को स्वीकारा था,
और वो उसी समय से सत्य से शादी करना चाहती थी। पढ़ाई करने का उसका कोई इरादा नहीं था। पर जब सत्य ने इस बात से इनकार किया तो शराब के नशे में डुबोकर उसने सत्य को पा लिया था। और तब उसे ही विश्वास हो गया था कि सत्य चाहे कितना भी महिला मित्रों के साथ घूमे फिरे पर शादी तो उसी से करेगा। लेकिन जब सत्य के साथ मेरा विवाह तय हुआ तो कोमल का गुस्सा फूट पड़ा और उसने थाने में जाकर FIR दर्ज कराने की धमकी देने लगी। सत्य ने तो जेल जाने का मन बना लिया था। उसने मुझसे कहा कि कोमल को जो करना है करे, मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपनी गलतियों की सजा तो मिलनी ही चाहिए। और तब मैंने कोमल से बात की तो उसने कहा कि मैं सत्य से प्रेम करती हूँ और यदि वो मेरा नहीं हुआ तो किसी और का होने नहीं दूंगी, मैं इसीलिए ये सब कर रही हूँ। और उसके बाद भी तुम कह रही हो भामा कि कोमल सत्य से प्रेम करती है? तुम ही बताओ, प्रेम करने वाला कोई ऐसी हरकत करता है क्या? सत्य की माँ ने पूछा। मेरा प्यार इतना स्वार्थी नहीं है कि सत्य की इज्जत, आपके परिवार की मर्यादा और समाज और बाजार में स्थित सत्य के स्टेटस को दांव पर लगाकर मैं उनसे शादी करूं। भामा की आंखें भर आई। ये क्या किया तुमने भामा? कम से कम तो मुझे तो बताती, मैं कोई रास्ता निकाल लेती, मैं समझाती कोमल को। पैसों के कारण सत्य से शादी की है ना, तो मैं उसे बिना शादी के भी पैसे दे देती। यही तो होता है हम गरीबों के साथ, कोमल ने पेड़ की ओट से बाहर आते हुए आगे कहा। हमारे प्रेम को हमेशा दौलत की तराजू से तोलने की कोशिश की जाती रही है। कोमल तुम? सत्य की माँ ने कहा। मैंने घर में आपके और सत्य के बीच की बात सुन ली थी तो सोचा कि जब मौका हाथ ही लग गया है तो आज ही हम सब ये जान ले कि सत्य के जीवन में अब मेरे अलावा किसी लड़की का कानूनन कोई स्थान नहीं रह गया है। कोमल ने कहा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था कोमल, सत्य की माँ ने कहा। आप अब तक जो भी कहती रही मैं मानती रही, क्योंकि आप मेरा पूरा सच नहीं जानती थी, पर अब नहीं, मैं मानती हूँ कि आपने अपनी नौकरानी की इस बेटी को अपनी बेटी की तरह सुविधाएं दी, क्योंकि आपको अपनी अंधी बेटी के लिए आंख वाली ऐसी सहेली चाहिए थी जो साये की तरह उसके साथ रहे। पर मैंने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा था, सत्य की पत्नी बनने का, कोमल ने कहा। सत्य तुमसे प्रेम नहीं करता, सत्य की माँ ने कहा। पर मैं तो करती हूँ और मुझे अपने प्रेम पर भरोसा है कि पहले की तरह सत्य का प्यार पाने में मैं सफल हो जाऊंगी। तुम भूल रही हो कोमल कि जिस सत्य को आज तुम देख रही हो वो भामा की देन है, वरना जिस सत्य को तुम जानती थी वो तुम जैसे जिद्दी लड़की को अपनी औकात दिखाना अच्छे से जानता है। सत्य की माँ को भी गुस्सा आ गया था। पर आप अभी भी भूल रही हैं कि मैं आपकी पुत्रवधू हूँ, और आप समझ क्यों नहीं रही हैं कि मैं सत्य से प्रेम करती हूँ। मैं मानती हूँ कि प्यार में अंधा होकर मैंने सत्य को पाने के लिए वो किया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको कि सत्य के जीवन में कोई कमी नहीं रहने दूंगी मैं, कोमल ने कहा। मुझे तो अब इस बात की चिंता सता रही है भामा कि मेरा सत्य कहीं फिर से शराब और व्यभिचार की ओर। आप निश्चिंत रहिए आंटी जी, ऐसा नहीं होगा, सत्य ने मुझसे वादा किया है, भामा ने आत्मविश्वास के साथ कहा। कितना विश्वास करती है भामा सत्यजीत पर क्या सत्यजीत भामा के इस विश्वास को कायम रख पाएगा? जानिए कहानी के अगले भाग में।